नागपुर सिटी जो जिसका पूरा आर्किटेक्चर ही आपको अंग्रेज़ों के ज़माने का मिलता है, ये है नागपुर जंक्शन। नागपुर जंक्शन का भी कुछ इस तरीके का है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी ब्रिटिश टाइम की ही है। यहाँ पे आपको हल्दीराम का फूड सेंटर मिलता है, बिल्कुल ट्रेन की तरह ही उसको डिज़ाइन किया गया है। हल्दीराम यहीं से शुरू हुआ था, इसलिए हल्दीराम और नागपुर, जब भी आप जाए नागपुर जाएँ तो हल्दीराम ज़रूर विज़िट करें। नागपुर जंक्शन काफ़ी लंबा चौड़ा है, ये बाहर का व्यू है और आप ये बहुत महल जैसा व्यू है। और अंदर आप जाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको व्यू मिलता है, कॉरिडोर वगैरह कुछ इस तरीके का है। डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुंबद वाला डिज़ाइन, अंग्रेज़ों द्वारा डिज़ाइन किया गया ये जंक्शन है, बहुत पुराना। और वो जो आपको ब्रिज टाइप का दिख रहा है उसको राम सेतु कहते हैं, जो कि आपको नागपुर जंक्शन से देखने को मिलता है। और ये है ऊपर का व्यू, आप सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए जो रास्ता है कुछ इस तरीके का दिखता है। काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। ये दूसरे साइड के प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं नागपुर में, नागपुर जंक्शन में। आपको ये है इस तरह का बेम्बू डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा लगाया गया है हैंडीक्राफ्ट आइटम का शॉप भी मिलेगा। यहाँ पे आप अपने पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे पेन है, कई सारी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आपको मीडियम प्राइस पे मिल जाएगी। तो आप नागपुर जाएँ तो यहाँ